कहेंगे कि भाई शासन की तरफ से कुछ हमको मुआवजा मिला जाए, इसमें लागत लगी कम से कम 50-40 हज़ार, तो कम से कम इसकी लागत तो कम से कम मिल जाए। क्योंकि साहब हमको कुछ मुआवजा मिला जाए इसका, जैसे हमके आगे की कार्रवाई करने के लिए कुछ पैसा मिल जाए तो कुछ दूसरी फसल लगा सकें। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस साल ठंडी जो है तो काफ़ी ज़ोरों से पड़ रही है और कड़ाके के ठंड के बीच कोहरे की वजह से जो है तो बहुत सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जब हम फसलों की बात करते हैं तो गेहूँ की बात करते हैं, चने की बात करते हैं, मसूर की बात करते हैं, तो उनको लेकर के सरकार शासन प्रशासन अपने स्तर पर कई बार मुआवजे की व्यवस्था करता है। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, एक टमाटर से लदा हुआ बिल्कुल खेत है और ये पूरा का पूरा टमाटर की जो फसल है तो वो बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ ठंडी की वजह से जो कोहरा और पाले की समस्या किसान इस टाइम पर झेल रहे हैं, तो उसकी वजह से इस खेत की तरीके से हज़ारों किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त मैं खैरहन में हूँ और खैरहन के एक किसान हमारे साथ हैं और उनसे हम इस फसल को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि क्या किसी भी स्तर पर सरकारी शासन प्रशासन के द्वारा इनको इनकी फसल को लेकर के मुआवजे से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त हुई है या कोई मुआवजा इनको दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। राम विश्वास कुशवाहा, ग्राम खैरहन। तो ये जो आपकी पूरी फसल है टमाटर की, लाखों रुपये की लागत से जो होती है फसल तैयार हुई है, तो पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि भाई शासन की तरफ से कुछ हमको मुआवजा मिला जाए, इसमें लागत लगी कम से कम 50-40 हज़ार, तो कम से कम इसकी लागत तो कम से कम मिल जाए। आप लोगों की चूँकि यही जो सब्जी भाजी की खेती है यही मुख्य धंधा व्यवसाय है, तो इस साल तो आपका पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। जी साहब, ये पूरा टमाटर बर्बाद हो गया। हम थोड़ा सा फसलों को भी दिखाते हैं, आप भी आ जाइए। ये देख सकते हैं कि ये एक पेड़ है और इस पेड़ में जो है तो एक पेड़ में ही आप देख सकते हैं कम से कम 3 से 4 किलो टमाटर लगा हुआ है, उससे ज़्यादा टमाटर यहाँ पे गिर चुका है, ये देख सकते हैं। अब पूरा का पूरा ये सड़ता जा रहा है। तो जैसे एक चीज़ जो है तो हम जानते हैं कि जब पाले की मुआवजे की बात होती है तो अरहर वगैरह में मुआवजा मिलता है, क्या सब्जी भाजी में भी कोई मुआवजा मिलता है? जी जी जी, मिलता है। तो इस साल जो है तो क्या स्थिति है, जो तो पटवारी वगैरह ने आपके खेत का भ्रमण किया या फिर? अभी नहीं किए हैं पटवारी ने, तो पटवारी को बुलाएंगे और करवाएंगे। तो इसका भी मुआवजा मिलता है ना? जी जी। कितने की फसल होगी लगभग इस खेत में? कम से कम मान लो 80 हज़ार लगभग। लागत कितनी लग गई होगी? कम से कम 30 हज़ार लागत लगी है। तो आप निश्चित तौर पर ये देख सकते हैं कि ये कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपए की लागत से ये पूरे के पूरे खेत जो है तो बनाए गए थे और टमाटर किस तरीके से लगे हुए हैं आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पाले की वजह से जो हालत हुई है तो पूरा का पूरा खेती जो है तो तबाह हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, पत्ते पेड़ तक सूख चुके हैं। तो हमारी भी यही आशा है, हमारा भी यही आग्रह शासन प्रशासन से कि इन जैसे और भी किसान जिनकी फसलें टमाटर की विशेष तौर पर इस सीज़न में ख़त्म हो चुकी हैं, और यही कारण है कि जब इस तरीके की समस्याएं होती हैं और फिर किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर टमाटर जब हम 200 रुपये खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब किसान यहाँ पर बर्बाद हो रहा है, किसान इस तरीके से तबाह हो रहा है, उसकी पूरी की पूरी फसलें ख़त्म हो रही हैं, तो अभी तक शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर भी कोई विशेष काम नहीं किया है। तो इस खबर के माध्यम से हम यही आपसे कहना चाहते हैं और साथ ही साथ जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी हमारा यही कहना है कि आप जैसे किसानों और साथ ही साथ ऐसे और भी, ये इकलौते किसान की कहानी नहीं है, इस क्षेत्र में बहुत सारे किसानों की ये फसलें बर्बाद हुई हैं, तो इन फसलों को लेकर के उचित मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ यह भी कोशिश की जानी चाहिए कि भविष्य में अगर ये किसान ऐसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उसका निदान की कैसे किया जाए। तो शासन प्रशासन से क्या आग्रह है आपका इस फसल को लेकर? क्योंकि साहब हमको कुछ मुआवजा मिला जाए इसका, जैसे हमके आगे की कार्रवाई करने के लिए कुछ पैसा मिल जाए तो कुछ दूसरी फसल लगा सकें। अभी तक आपने किसी कर्मचारी सरकारी अफसर से संपर्क भी किया है? अभी नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे अब आज से। आप लोग को बुलाए हैं, दिखाए हैं, तो करेंगे आज। इस पूरे क्षेत्र में ही यही समस्या होगी? पूरे टमाटर? हाँ, पूरे टमाटर पूरे गांव में ऐसे ऐसे ही सभी का। टमाटर
टमाटर के रेट भी इसकी वजह से बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा टमाटर के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो किन फसलों पर, जैसे आलू है, मसूरी है, अरहर है, इनमें अधिक नुकसान हुआ है। आलू में भी नुकसान हुआ है, और आलू तो हर दिन हम घर में जो है तो उपयोग करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए आलू सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन जो समस्याएं किसान हमारे झेल रहे हैं उन समस्याओं की वजह से भविष्य में हमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, हमें भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो साथ सरकार से यही निवेदन है, सरकार से यही कहना है कि स्थानीय स्तर पर जो आपके राजस्व से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जो मुआवजे से जुड़े हुए कर्मचारी हों, खेतों का भ्रमण करें और आ करके जो फसलों का उचित मुआवजा है हमारे किसानों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि किसान बड़ी ही मेहनत के साथ खेती करते हैं और इस तरीके से मौसमी प्रहार की वजह से उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों की समस्याओं के समाधान करने में हमारे जो सरकारी अधिकारी अफसर हैं वो सहयोग करेंगे और जल्द ही आप जैसे किसानों के लिए जो तो सहयोग मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।